हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे CISF हेड कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए अभी के अभी। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक बात और फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 19 से 18 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होता है तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आपके लिए था फ्रेंड्स, और हम बोले थे कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आप जितना जानते हैं वो 100% होता जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का, क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, और इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भिन्न अर्थ है। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का भिन्न अर्थ है, एक ही अर्थ नहीं है फ्रेंड्स, अलग अलग अर्थ है दोनों का। तो क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का भिन्न अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है फ्रेंड्स, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्वेश्चन है, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दिया गया था फ्रेंड्स, तब उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और ये फांसी फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा, इसको डेट ही पूछ लेता है। और एक और चीज़ पूछता है फ्रेंड्स कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इन्हीं लोग को लेकर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लेकर, फिर इसके बावजूद भी फांसी हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन से कलिंग का एक महान शासक था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन से कलिंग का एक महान शासक था। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल हो जाएगा। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक खारवेल था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदि शंकराचार्य द्वारा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार संघ के मंत्री किसकी इच्छा पर पद धारण करते हैं। क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार संघ के मंत्री किसकी इच्छा पर पद धारण करते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ के मंत्री भारत का राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन उत्तरी भारत में था? क्वेश्चन नंबर 7 है, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन उत्तरी भारत में था? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था उत्तरी भारत में, इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, करेक्ट डेट फ्रेंड्स 24 मार्च 1946 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, डेट सहित पूछ लेता है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था और यही भारत की संविधान सभा के गठन का आधार बना, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेगा फ्रेंड्स इससे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर आपको आंसर करना है एक भी नहीं। ठीक है, जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या एक भी नहीं थी, ये जोड़ा गया फ्रेंड्स 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, और इसको रखा गया भाग चार का ए या क में। ठीक है, भाग चार का ए या क में जोड़ा गया, जो कि आपको 51 का क में है। ठीक है, भाग चार जो है कि 36 से 51 तक है, उसी में इसको रखा गया भाग चार का क या ए। ठीक है, उसके बाद इसको रखा गया आर्टिकल 51 का क या ए। ठीक है, जिसमें से 10 जोड़ा गया उस टाइम मौलिक कर्तव्य, और वर्तमान में 11 है, जिसमें से एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो पूछ लेगा कि वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर करना है 11। ठीक है, डेट भी आपको हम बता दिए कि कब किया गया था, कब जोड़ा गया था और कहाँ रखा गया है, तो इसको कंप्लीट याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपको एक क्वेश्चन जितने भी अभी आगामी एग्जाम है उसमें आपको रहेगा ही, NTPC हो, LDC हो, कोई भी हो, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कंप्लीट इसको। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जाँच की? क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। तो किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ और चीतल, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा हो जाएगा। ठीक है, संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्वेश्चन है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काला और खुरदरा। काला और खुरदरा, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा जब वह होगा काला और खुरदरा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण तरल से भरे हुए बीकर का तल थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है फ्रेंड्स, किसी बाल्टी में एक कोई छड़ रखा गया है, उसको ऊपर से देखने पर वह टेढ़ा दिखाई देता है या मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी उसका भी कारण अपवर्तन ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार, क्वेश्चन है गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अत्यंत वाष्पशील है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया के द्वारा सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है और यही कारण है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन बम है जो संलयन, क्वेश्चन एक और पूछ लेता है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर काम करता है, तो याद रखना है आपको संलयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी कारण से वह ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा करता है हाइड्रोजन बम, क्योंकि वह संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, शॉर्ट में दे देता है CFC दे देगा, तो आपको समझना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, उससे पहले एक और क्वेश्चन इसे पूछ लेता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस, तो आपको याद रखना है 16 सितंबर, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स, सो इसको याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है कि ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, मतलब कि तेज़ी से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो विटामिन का जितना कॉन्सेप्ट है आपको हम अगले संडे को एक वीडियो अपलोड कर देंगे विटामिन से रिलेटेड, कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और कौन से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इससे रिलेटेड, क्योंकि आने वाले एग्जाम में साइंस का वेटेज रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स इसी संडे को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है,
आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विबंधक के रूप में। याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विबंधक के रूप में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संतुलन स्तर बिंदु, संतुलन स्तर बिंदु, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, केलामाइन डॉट 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 का एक अयस्क है, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जस्ता हो जाएगा। केलामाइन जस्ता का एक अयस्क है, केलामाइन जस्ता का एक अयस्क है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, और ये आपके लिए है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इसमें से देख लीजिएगा राइट आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।